साइट का स्ट्रक्चर। ऊ साइट के चारों ओर कुछ मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है जिसे हम एग मेम्ब्रेन कहते हैं। ऊ साइट और एग मेम्ब्रेन दोनों मिलके कहलाते हैं एग। एग मेम्ब्रेन की ओरिजिन के अकॉर्डिंग इन्हें हम थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एंड टर्शरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसे ऊ साइट खुद बनाएगा, जिसमें आपके वेटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा आती हैं। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो ओवरी बनाएगी, जिसमें कोरोना रेडिएटा आती है, और टर्शरी एग मेम्ब्रेन जो ओवीडक्ट बनाती है उसे हम टर्शरी एग मेम्ब्रेन कहेंगे। मैमेलियन एग में दो ही मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। मैमेलियन एग में टर्शरी एग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो मैमेलियन एग में एक तो वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा है, और प्राइमरी मेम्ब्रेन के बाहर कोरोना रेडिएटा होती है। फ्रॉग के एग में टर्शरी एग मेम्ब्रेन भी पाई जाती है जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगी। मैमेलियन एग देखें तो मैमेलियन एग 0.1 मिलीमीटर साइज का होता है। तो ये देखिए इसके ऊ साइट का स्ट्रक्चर, जिसमें ऊ साइट की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी और इसके बाहर एक वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है जो बड़ा हो जाता है, जिसे हम जर्मिनल वेसिकल कहेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी बड़ी हो जाती है जिसे हम जर्मिनल स्पॉट कहते हैं। तो ये हुआ एक डेवलप ऊ साइट का स्ट्रक्चर एंड ये इसमें मेम्ब्रेन। ऊ साइट के अंदर यॉक स्टोर रहता है। तो अब हम चलेंगे यॉक के अमाउंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एग्स के टाइप।